की बड़ी खबर आपको बता दें, अनूप चंद्र पांडे ने संभाला कार्यभार, यूपी के नए मुख्य सचिव का संभाला पदभार। बड़ी खबर, अनूप चंद्र पांडे ने अपना पदभार संभाल लिया है, कार्यभार संभाला, यूपी के नए मुख्य सचिव का पदभार संभाला। अनूप चंद्र पांडे से हमारे संवाददाता शिवा तिवारी ने खास बातचीत की। बात करते हैं सर, जिस तरीके से सर सर जो अभी तक का एक बड़ा अच्छा कार्यकाल रहा है, उसके बाद अब क्या मानते हैं कि आगे कौन कौन सी नई चुनौतियां रहेंगी? देखिए, मैं सर एक पिछला सफल कार्यकाल, अब नई चुनौतियां क्या क्या होंगी सर? एक नई सर बहुत अच्छा कार्यकाल सफलतापूर्वक रहा है, अब नई चुनौतियां क्या क्या देखते हैं? देखिए, मैं एक तो विकास में विकास को गति देना, उसमें रोजगार को बढ़ावा देना, किसानों की समस्याएं उनको किसानों की आय को दुगना करना, और यहाँ पर जनता की जो समस्याएं हैं उनका एक सफल प्रकार से निस्तारण कराना, संतुष्टि स्तर उसका बढ़ाना। सर एक बड़ा सवाल बार बार उठता रहा है, ब्यूरोक्रेसी और लोग सरकार नेताओं के बीच में तालमेल, जनता के बीच में कई बार शिकायतें उठी इसको लेकर, तो इस दिशा में क्या करने जा रही सरकार? नहीं देखिए, ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक माध्यम है, और जनता की समस्याएं जो हैं उनका निस्तारण ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से ही होगा। हम एक अच्छी टीम बनाकर और ईमानदारी से मेहनत से इन समस्याओं का निस्तारण कराएं। कई बार जनप्रतिनिधि भी बहुत शिकायत लेकर आए हैं सामने, जनप्रतिनिधियों की समस्याओं का हम निस्तारण बहुत अच्छे तरह से कराएंगे। बिल्कुल, सभी समस्याओं का निस्तारण होगा, ये ध्येय है नए मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे का। कैमरामैन जगदीश के साथ शिवा तिवारी, नेशनल वॉइस, लखनऊ। तो अनूप चंद्र पांडे से खास बातचीत की संवाददाता शिवा तिवारी ने। तो अनूप चंद्र पांडे ने संभाला कार्यभार, मुख्य सचिव के पद का कार्यभार संभाला है। इसी के साथ ही कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं अनूप पांडे, 1984 बैच के IAS हैं अनूप चंद्र पांडे। इसी के साथ ही अपनी चुनौतियों को लेकर बातचीत की, आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटना है, कितनी मशक्कत इसके लिए करनी पड़ेगी, नई टीम का गठन करना पड़ेगा, इन सभी बातों पर उन्होंने चर्चा की शिवा तिवारी से। एक बार फिर से आपको बता दें, बड़ी खबर है, अनूप चंद्र पांडे ने कार्यभार संभाल लिया है, यूपी के नए मुख्य सचिव का पदभार संभाला अनूप चंद्र पांडे ने। 1984 बैच के IAS हैं अनूप चंद्र पांडे। इस पर और जानकारी के लिए खुद शिवा तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिवा, तस्वीरें आप हमसे बेहतर देख रहे हैं, आप मौके पर मौजूद थे, कार्यभार संभाल लिया है अनूप चंद्र पांडे ने। बिल्कुल, देखिए आज जैसा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, शाम को 5 कुमार जो कि अब पूर्व मुख्य सचिव हो चुके हैं, उन्होंने इनको चार्ज सौंपा, और उसके बाद जो जिस तरीके से अनूप चंद्र पांडे अभी तक का कार्यकाल रहा है, उनका IDC के चेयरमैन रहे हैं, और दो बहुत बड़ी उपलब्धियां उनके साथ में जुड़ी रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर समिट का मामला हो, या फिर किसान कर्ज माफी का जो पूरा रोड मैप तैयार किया गया था सरकार के द्वारा, वो भी कहीं ना कहीं अनूप चंद्र पांडे की सफलताओं में से एक है, और उन्हीं को लेकर अनूप चंद्र पांडे आगे बढ़ेंगे। और जिस तरीके से सरकार ने नए पद के साथ साथ जो पुराना कार्यभार है उनका, वो भी उनके साथ में रखा हुआ है, यानी निवेश के साथ साथ मुख्य सचिव का काम भी देखेंगे, और जिससे उनका मानना है कि अगर इस तरीके से रहता है तो विकास की जो गति है वो और ज्यादा रहेगी, और खास तौर पर जो किसान गरीबों के लिए योजनाएं हैं तो उनकी प्रायोरिटी भी है कि जिस तरीके से ये योजनाएं बनती हैं ठीक उसी तरीके से वो जमीनी स्तर तक पहुंचे, ये उनके कार्यकाल में प्रायोरिटी रहेंगी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जब हमने उनसे जानना चाहा कि जिस तरीके से पिछले समय में जो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर लगातार सवाल उठते रहे हैं, चाहे वो सरकार और ब्यूरोक्रेसी के बीच में तालमेल की कमी हो, सत्ताधारी विधायक नेता भी लगातार सवाल उठाते रहे हैं, तो उसको लेकर किस तरीके से कार्य योजना बनाएंगे ताकि ऐसे तालमेल की खराबी बार बार ना हो, तो इसको लेकर भी अनूप चंद्र पांडे ने साफ किया कि जो भी अभी तक थोड़ी बहुत दिक्कतें रही हैं उनको दूर किया जाने का प्रयास करेंगे। हालांकि जो उनके टीम है, उन्होंने अपनी टीम की तारीफ की कि हमारे पास एक काबिल अफसरों की टीम है जिनके सहारे हम जो प्रदेश की योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ा सकेंगे, बस जरूरत जिस तालमेल की है उसको भी हम कोशिश करेंगे, ग्राउंड लेवल पर जाकर देखेंगे कि कहां पर किस तरह की
दिक्कतें आती हैं और कोशिश करेंगे कि उन दिक्कतों को हटाकर जो ब्यूरोक्रेसी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं उनको उनका भी समाधान किया जाएगा। शिवाय से के साथ ही आपने बातचीत उनसे की है अनूप चंद्र पांडे से, और जो नई चुनौतियां वो उनके सामने आने वाली है उनको लेकर उन्होंने कहा कि नई टीम का गठन करेंगे, इसी के साथ ही पूरी तरीके से वो तैयार है चुनौतियों को लेकर। बिल्कुल, देखिए जो सबसे बड़ी चुनौतियां थी जिस तरीके से सरकार जब सत्ता में आई थी और उसने वादा किया था सबसे बड़ा तो प्रदेश में निवेश का, रोजगार का और जो किसानों के भले का, ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर अभी काम क्योंकि एक साल डेढ़ साल का लगभग सरकार का कार्यकाल हुआ है तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं इस दिशा में जो बनी तो हैं लेकिन अब तक वो उनको कार्यान्वित नहीं किया जा सका है। तो ये एक बड़ी चुनौती है कि मौजूदा टीम के साथ ही इन जो योजनाएं हैं इनको कार्यान्वित करना, उनको उन लोगों तक पहुंचाना जिनके लिए योजनाएं बनी हैं, तो यही उनसे उनकी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं और जिनको वो साकार करने में लगेंगे। और उन्होंने भरोसा भी जताया कि जिस तरीके से हमारा जो इन्वेस्टर समिट हुआ उसकी जो सफलता आई है उससे हमें उम्मीद बढ़ गई है कि हम आगे अगर हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो हम रोजगार भी हमारे यहाँ बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ साथ हमने किसानों के लिए जो योजनाएं बनाई हैं वो भी जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं अगर उनको हम कार्यान्वित ठीक से कर सके तो किसानों की समस्याओं का भी हम हल निकाल सकेंगे। और इससे भी बड़ी चुनौती एक तरह से देखें तो आने वाला चुनाव है क्योंकि सरकार लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी कोशिश होगी कि जो मुखिया हो उसके जो कार्यप्रणाली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी शिवा बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो यूपी के नए मुख्य सचिव का कार्यभार संभाल लिया है, कई महत्वपूर्ण पदों पर वो पहले रह चुके हैं, 1984 बैच के IAS हैं अनूप चंद्र पांडे। इसी के साथ ही चुनौतियों को लेकर भी वो पूरी तरीके से तैयार है और नई टीम का गठन करेंगे।